प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सेकेंड चैप्टर, डिजिटल नेटवर्क इशेंशियल्स। ठीक है, नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। इस चैप्टर में इंटरनेट के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, वेब ब्राउजिंग क्या है, सर्च इंजिन्स क्या होते हैं, ईमेल क्या है, इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क की क्यों जरूरत पड़ी, डेटा कम्युनिकेशन क्या है, सिग्नल्स कितनी तरह के होते हैं, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्क की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ नेटवर्क सच एज लैन, मैन, वैन, पैन। ठीक है, इंटरनेट जो है एक बहुत बड़ा ग्रुप है नेटवर्क्स का, जिसमें लैन, मैन, वैन, पैन, दुनिया भर में ये जितने भी सारे नेटवर्क्स हैं ये सारे आते हैं, इनको मिलाकर ही इंटरनेट बनता है। अब ये क्या करते हैं, दैट कनेक्ट आवर कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैब्स, सेलुलर फोन्स, एंड्रॉयड फोन्स, विंडोज फोन, ऑल ओवर द वर्ल्ड विद इन पर्टिकुलर सर्वर्स। जो क्या करते हैं, हमारे जो भी लैपटॉप है, टैब है, सेलुलर फोन है, एंड्रॉयड फोन है, विंडो फोन है, सारी दुनिया में इन सबको कनेक्ट करते हैं विद इन पर्टिकुलर सर्वर्स, किसी खास सर्वर्स के साथ। ठीक है, वेयर वी कैन सर्फ, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सर्फ कर सकते हैं, चीजों को ढूंढ सकते हैं, अपलोड एंड कैन डाउनलोड एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, डाउनलोड भी कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जैसे रिगार्डिंग न्यूज हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, गेम्स, मल्टीमीडिया, साइंटिफिक रिसर्चेस, वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग मतलब मौसम की भविष्यवाणी, वैज्ञानिक खोजें हो गई, मल्टीमीडिया हो गया, हमारे ऑडियो वीडियो जो भी मूवीज वगैरह होती हैं, न्यूज, स्पोर्ट्स, गेम्स, इन सबसे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और खुद अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इंटरनेट। इंटरनेट का ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि इंटरनेट असल में है क्या इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट ये जो हमने मैट्रिक में भी पढ़े होंगे आप लोगों ने, लैन, मैन, वैन और पैन, तो इन सब को ही मिलाकर जो एक नेटवर्क बनता है उसको हम इंटरनेट बोलते हैं, यानी कि इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। चलिए चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? The World Wide Web was invented by Tim Berners-Lee. ये जो World Wide Web है, इसकी खोज की थी Tim Berners-Lee ने in 1989, 1999. ठीक है? World Wide Web is a set of programs and protocols where all web resources are identified by a URL, documents are interlinked by hyperlinks and accessed by the internet. ठीक है? यहाँ पे एक correction कर लेनी है आपने इस question में। एन यू आर एल, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसकी खोज की थी टिम बर्नर्स-ली ने 1999 में। वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक सेट है प्रोग्राम्स का और प्रोटोकॉल्स का, प्रोटोकॉल्स कोई हार्डवेयर नहीं होता, कोई प्रोसेसर नहीं होता, प्रोटोकॉल्स भी प्रोग्राम्स ही होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स होता है प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोग्राम्स होते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक कलेक्शन है प्रोग्राम्स की भी और प्रोटोकॉल्स की, जहाँ पे जितने भी हमारे वेब रिसोर्सेज मतलब जो भी हमारी वेबसाइट्स है, वेब पेजेस है, वो सारे के सारे आइडेंटिफाई किए जाते हैं वाई एन यू आर एल। यू आर एल जो होता है जहाँ पे हम एड्रेस टाइप करते हैं किसी वेबसाइट का, जैसे www.google.com, www.gmail.com। ठीक है, यू आर एल ऊपर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं उसको। ठीक है, इस सारे के सारे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, और उसके अंदर होते हैं ये प्रोटोकॉल्स और प्रोग्राम्स। डॉक्यूमेंट्स आर इंटरलिंक्ड बाय हाइपरलिंक्स, डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं उनको हम लिंक करते हैं हाइपरलिंक्स के साथ, एंड एक्सेस बाय द इंटरनेट, और एक्सेस होते हैं वो बाय द इंटरनेट। ठीक है, ये होता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। ये हमेशा वेबसाइट के आगे इस तरह से हम लिखते हैं www.gmail.com। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि गूगल जो है सर्च इंजन जो भी जितने भी हैं वो सारे के सारे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वो ऑटोमेटिकली प्रीफिक्स हो गया है एक तरह से। ठीक है, तो ये था हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। अब बात करते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। यहाँ पे टू टाइम आंसर्स आंसर्स हो गया ना, इसको करेक्ट करते हैं।
अब बात करते हैं वेबसाइट की कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट इज ए लोकेशन ऑन द इंटरनेट सर्वर दैट कंटेन मेनी वेब पेजेस व्हिच आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ठीक है, वेबसाइट जो होती है एक लोकेशन होती है इंटरनेट सर्वर के ऊपर। इंटरनेट सर्वर पता क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है सर्वर, ठीक है, जो हमसे HTTP रिक्वेस्ट लेता है और हमें HTTP में ही रिस्पांस करता है। ठीक है, अब हम पता क्या करते हैं वेबसाइट के होता है, जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं किसी वेब सर्वर के अंदर। ठीक है, वेब सर्वर एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, वेबसाइट को हम उस प्रोग्राम के अंदर डाल देते हैं। वो प्रोग्राम तो रहेगा किसी न किसी कंप्यूटर के अंदर ही, उस कंप्यूटर को बोल देते हैं फिर सर्वर है भी, क्योंकि उसके अंदर क्या हमारा प्रोग्राम है, वेब सर्वर है। ठीक है, सर्वर के अंदर रहती है हमारी वेबसाइट। ठीक है, अब वेबसाइट इज ए लोकेशन ऑन द इंटरनेट सर्वर। तो वेबसाइट हमारी कहाँ पे रहती है? सर्वर नाम का एक प्रोग्राम होता है इंटरनेट पे, इनकी कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर हमारी वेबसाइट रहती है। दैट कंटेन मैनी वेब पेजेस, वेबसाइट के अंदर होते हैं बहुत सारे वेब पेजेस विच आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं हाइपरलिंक्स के जरिए। ठीक है, अब वेब पेज इज ए हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट। आप बोल रहे हैं कि वेब पेज होता क्या है? अब वेब पेज इज ए हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट दैट इज क्रिएटेड बाय HTML। अब वेब पेज क्या होता है? एक हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट होता है जो क्रिएट होता है HTML से। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर ये वेब पेज बनते हैं। ठीक है, और जब बहुत सारे वेब पेज हो जाते हैं तो वो एक वेबसाइट बन जाती है हमारी। ठीक है, ये होती है हमारी HTML का काम। HTML में हम उन कोड्स को लिखते हैं जिनसे ये वेब पेज क्रिएट होते हैं। ठीक है, दीज वेब पेजेस इनसाइड ए वेबसाइट। अब ये जो वेब पेजेस होते हैं एक वेबसाइट के अंदर क्या करते हैं? ये कंटेन करते हैं ऑल इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट न्यूज, न्यूज के बारे में, गेम्स के बारे में, म्यूजिक के बारे में, रिजल्ट ऑफ स्कूल्स हो गए एंड कॉलेज स्टूडेंट्स, और जो भी स्कूल या कॉलेज के जो भी रिजल्ट हुए, स्टूडेंट्स क्लास वाइज सिलेबस, स्टूडेंट का क्लास वाइज सिलेबस ले लो, बुक्स हो गई, पब्लिक एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी रहती है हमारी इन वेब पेजेस के अंदर, और ये वेब पेज होते हैं हमारे वेबसाइट के अंदर। ठीक है, बहुत सारे वेब पेजेस को मिलाकर एक वेबसाइट बनती है, और वेब पेजेस और वेबसाइट को बनाने का काम करते हैं हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, उसका नाम है HTML। ठीक है, अब सम एग्जांपल ऑफ पॉपुलर वेबसाइट, कुछ एक पॉपुलर वेबसाइट के एग्जांपल दिए हैं, आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे एक दो लिखी हुई है, www.gmail.com, www.readymail.com। ठीक है, अब वेबसाइट की अगर बात कर रहे थे ना इंटरनेट के ऊपर, वेब पेज क्या होता है? जैसे हम वेब ब्राउजर ओपन करते हैं ना, वेब ब्राउजर को ओपन करने के बाद मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ इंटरनेट के साथ, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ इंटरनेट से। इंटरनेट को कैसे कनेक्ट करते हैं लैपटॉप्स में? वैसे यहाँ पे क्लिक करना है, फोन का हॉटस्पॉट ऑन करना है और कनेक्ट हो जाता है मेरा लैपटॉप। ठीक है, पासवर्ड की रखी हो तो पासवर्ड की डालनी है, मैंने ऑलरेडी डाली हुई है पासवर्ड की, तो एक्सेस कर रहा है। जैसे अब जैसे मान लो हमने कोई गाना डाउनलोड करना है, डाउनलोड पंजाबी म्यूजिक, पंजाबी सॉन्ग्स। अभी जो पेज ओपन हो रहा है ना, ये इसको हम वेब पेज बोल रहे हैं। ठीक है, ये सबसे पहले तो आए हाइपरलिंक्स, इनको बोलते हैं हाइपरलिंक। ये जो ब्लू कलर में होते हैं, जैसे हम क्लिक करते हैं तो जो वेबसाइट है ना जिसके अंदर ये वेब पेज होगा, वेबसाइट का नाम है djpunjab.fm। ठीक है, और उसके अंदर एक वेब पेज बनाया हुआ है punjabimusic.php, ये वेब पेज है ये जो खुला हमारे सामने। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं वेब पेज। अब ये जो अक्षर लिखे हुए हैं ना इसके अंदर, जो वर्ड्स है इनके ऊपर, जैसे हम क्लिक करते हैं तो एकदम से अगला पेज खुल जाता है। जैसे मैंने क्लिक किया, एकदम से अगला पेज खुल गया, इनकी अगला वेब पेज खुल गया। एक ही पेज नहीं होता वेबसाइट के अंदर, ठीक है ना। अब देखो, पहले था यहाँ पे कोई और पेज का नाम था, यहाँ पे पेज आ गया। पहले जो पेज था उसका नाम यहाँ पे punjabimusic.php था, यानी कि ये वेबसाइट है, इसके अंदर बहुत सारे पेजेस बनाए हुए हैं, और ये सारे के सारे इन वेब पेजेस को बनाने का काम करते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML है उसके अंदर। ठीक है, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज वेब एड्रेस? वेब एड्रेस क्या होता है? ईच कंप्यूटर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट has its own unique web address। हर एक कंप्यूटर पे जो भी वेबसाइट होती है ना इंटरनेट के ऊपर, उसका एक खास एड्रेस होता है, उसको हम वेब एड्रेस बोलते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड URL, जिसको हम URL भी कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी बोलते हैं। ऑन द इंटरनेट टू वेब एड्रेसेस कैन नॉट बी सेम। इंटरनेट के ऊपर किन्हीं भी दो
वेबसाइट की एड्रेस कभी भी सेम नहीं होते, जैसे ये है ना www.gmail.com, www.redmail.com, www.yahoo.com, तो दो वेबसाइट के नाम जो है वो सेम नहीं होते हैं। ये नाम सेम हो सकता है लेकिन फिर डोमेन नेम सेम नहीं होता है, ठीक है। ये डोमेन नेम होते हैं, डोमेन नेम का भी कॉन्सेप्ट आएगा आगे, लेकिन बात कर रहे हैं ना वेबसाइट के एड्रेस का, तो ये होता है वो वेब एड्रेस, इसको बोलते हैं वेब एड्रेस की www.gmail.com जो है वो वेबसाइट का एड्रेस है, ठीक है। और हर एक वेबसाइट का ये जो एड्रेस होता है ये यूनिक होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड URL, इसको हम पूरी के पूरे को बोल देते हैं URL। URL को हम टाइप करते हैं यहाँ पे, ये होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं, ये जो लंबी सी पट्टी होती है जिसके अंदर हम एड्रेस टाइप करते हैं, जैसे www.y2mate.com या www.google.com कर दिया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो हमने एड्रेस टाइप किया इसको बोलते हैं हम URL बार, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। तो वेब एड्रेस का कॉन्सेप्ट भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया, और URL क्या होता है ये भी यहाँ पे एग्जांपल वैसे दिखाया हुआ है यहाँ पे कि हियर इज जीमेल इज वेबसाइट, और जो .com पूरा का पूरा जो भी है पूरा का पूरा वेब एड्रेस है, ठीक है। द होल पेज लुकिंग विद टेक्स्ट एनिमेल दिस वेब पेज, और ये पूरा का पूरा जो पेज है वो सारा का सारा पेज जो है वेब पेज है, क्लियर। ये सारे के सारे जितने भी खुल रहे हैं ये हैं वेब पेजेस हैं, ठीक है। अब द टेक्स्ट बॉक्सेस बने हुए, टेक्स्ट बॉक्सेस बने हुए हैं, ये देखो सारे के सारे ड्रॉप डाउन मेन्यूज बने हुए हैं, सिलेक्शन बॉक्सेस बने हुए हैं। तो आज के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट था इन्हीं क्वेश्चंस तक काफी था, कल हम फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।